कानून है, वीकली ऑफ अगर हम वीकली ऑफ भी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देन नो हॉलीडे, नो अर्न्ड लीव। अगर कोई नो हॉलीडेज वाला है तो कोई इशू है तो दे हैव राइट टू अपोज द लेबर कोर्ट ऑफ, तो ये लेबर ऑफिसर को बोल सकते हैं छुट्टी दीजिए, पहले तो आपके पास आएंगे ना, तो लेबर कोर्ट तो बाद में जाएंगे ना, तो फोर्स तो कोई नहीं कर सकता 7 डेज अ वीक काम करने के लिए। चलो लेबर कोर्ट तो बाद में जाएंगे ना, पहले तो हम आपके पास आएंगे हम। बट ये जो इशू है ना जो आपने कल ध्यान में लाया था, उसकी मैंने इनसे रिपोर्ट मांगी सारी डिटेल आ गई। मतलब स्ट्राइक पर जाने से अभी रुक जाए, नहीं तो जब हम आपके पास आए, क्योंकि हमने तो कहा है आपको ट्रीटेड एज अ स्ट्राइक नोटिस है ना, 5 महीने तो बहुत है ना, मतलब एक आधा महीना होता है। और देखो बाकी किसी कर्मचारी को चले, आपका बिल्कुल सही है, एज पर एग्रीमेंट उनको तो हर महीने सितंबर तक ही मिली ना आप लोग, बर्फबारी जगह है अब वहाँ पानी ना तो ड्यूटी वाला आ रहा है, वहाँ पे पंप दे रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, डे नाइट 4 घंटे पंप चला रहे हैं हम लोग, जहाँ पे पानी नहीं है ना में भी उनका पूरा भी कर रहे हैं। अच्छा, डे नाइट में 24 घंटे पंप चला रहे हैं, डे नाइट का मतलब हो गया 24 घंटे पंप चल रहे हैं। कोई कोई ये जो मिजारवाई लाइन है जी, अच्छा ये नाइट और डे जल्दी हफ्ते में 2 बार आप से पंप ऑपरेटर या लाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन में भी है जी, तो पंप चल रहे हैं। आपकी ड्यूटी जो बता रहे हो ना कि 24 घंटे चल रही हूँ, क्या पंप चल रहा है, पंप चल रहा है, आप पंप ऑपरेटर हो, ऑपरेटर जो नहीं ये तो इनके जरिए चलाया हुआ है, अगर पंप ऑपरेटर तो है ही नहीं, पंप ऑपरेटर तो है ही नहीं है, तो इसके स्टाफ के जरिए चलाया हुआ है। ऑपरेटर भी आउटसोर्स किए हैं ना, जो आउटसोर्स बंदे दिलाए थे 4 कैटेगरी के लोग थे, उसमें ऑपरेटर भी था, ऑपरेटर भी था, क्लीनिंग भी था, चौकीदार भी था, रिटेल भी है, कई जगह थी वहाँ, बहुत जगह तो वो लाइनमैन ही ऑपरेट कर रहे हैं। लाइनमैन का तो आउटसोर्स में बनता नहीं ऑपरेट करने का, वही तो प्रॉब्लम है, वो तो हम कब से कह रहे हैं, वो तो जब पूरी साहब के टाइम से इस विवाद को करने का प्रयत्न किया जा रहा था और एक सिस्टम भी अपना लिया था, फिर वो इसीलिए विभाग जो है ना जी, वो पैरा स्टाफ की अपने आप रिक्रूटमेंट कर रहा था, बीच में फिर पूरा प्रोडक्ट आ गया तो रुक गई थी, जैसे रिज्यूम होगी तो स्टाफ डिपार्टमेंट का चलो पहले तो इसी को निपटाओ ना, इसको निपटा देंगे, फर्स्ट उसको निपटाओ है ना, फर्स्ट उसको, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ के तय करते हैं ना कि भी कैसे करना, बिल्कुल आगे क्या करें, राइट जी, ओके जी, करो, हेलो, हाँ जी, देखिए समस्या तो बहुत सीधी और साफ और स्पष्ट नजर आ रही, सरकार और सरकार का तंत्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही है, अभी बुनियादी बातें जो कानून के दायरे के अंदर आते हैं, जो जीवन यापन को चलाने की बातें, थियो के इलाके में जो मतियाना डिवीजन है आईपीएस का,
पिछले 5 महीने से पानी खोलने वाले को, पानी को जो संचालित करता है, उसका वेतन नहीं दिया। और ये सिर्फ मतियाना का प्रेशर नहीं, जहां तक सुम्पी का प्रेशर है वहां भी मेरी जानकारी के मुताबिक 2 महीने से अधिक हो गया है इस कर्मी को, जिसको हम जल रक्षक कहते हैं, जल की रक्षा कर रहा है, जल को वो घर घर पहुंचा रहा है, तो उसका ये वेतन नहीं मिल रहा। ये कानूनी अपराध है, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है कि जो सबसे निचली सीढ़ी में हमारे समाज का व्यक्ति है, उसको आप 5 महीने तक वेतन नहीं देंगे, इससे दुखद बात नहीं हो सकती है। इसलिए आज हम आए हैं ईएनसी महोदय के पास, इनसे विनती कर दें, अभी भी विनती ही कर रहे हैं, आप ख्याल करें, जबकि मजदूर का अधिकार था कि जब कानून का उल्लंघन होगा उसका हक है नोटिस देकर हड़ताल करने का, लेकिन आप ये देखिए कि आज भी विनती करनी पड़ रही है कि भाई आप वेतन को देने के लिए मेहरबानी करके डायरेक्शन दे कि आप वेतन का भुगतान करें। इसके अलावा ये कानून है कि आपको हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, पेड हॉलिडे होता है, उसको नहीं मिलता है। जो दूसरे कानून के तहत जो आपको प्रावधान है कि आप लगातार 21 दिन काम करने के बाद आपको अर्न लीव मिलता है, वो नहीं दिया जाता है, दूसरी छुट्टी नहीं दी जाती है, सिक लीव नहीं दी जाती है, कोई कानून नहीं है। तो इसलिए हम आए हैं सरकार के तंत्र से अपील करने के लिए कि मेहरबानी कर बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, अभी जो धरती के स्तर की बातें हैं उसको करो, काल्पनिक दुनिया से असली दुनिया में आओ, ये कहने हम आज यहाँ पर आए। तो क्या आश्वासन मिला, अगर नहीं सैलरी दी जाती है तो फिर अगला? देखिए बहुत क्लियर है, ये भी जानते हैं कि अगर वेतन नहीं दिया जाएगा तो मजदूर के पास जो ट्रेड यूनियन के तौर तरीके है उसको इख्तियार करेगा, वो हड़ताल पर जाएगा। इसलिए मैंने स्वयं ईएनसी महोदय को कहा है, ट्रीटेड एज अ स्ट्राइक नोटिस, क्योंकि इसे बड़ी उल्लंघना हो नहीं सकती है। बाकी इनकी मर्जी है ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेहरबानी कर नई सरकार बनी है, नई सरकार चल पाती है नहीं चल पाती है वो सरकार ने देखना है, लेकिन सरकार के तंत्र को, नई सरकार को चलाने के लिए जो इनकी अपनी जिम्मेवारी है उसको निभाना है। और मैं समझता हूं ये जो तंत्र है सरकार का, वो नई सरकार जो बनी है उसको चलाने की जो गुंजाइश मिलनी चाहिए वही ये तंत्र नहीं दे रहा, ऐसा मेरा मानना। वजह क्या है, कुछ पता चला कि वजह किस वजह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? देखो एक बात तो क्लियर है जो सरकार को भी समझ लेना चाहिए, जो ये जो सेशन भी हुआ आपका विधानसभा का धर्मशाला के अंदर 3 दिन का, जिस सेशन के अंदर इनको बिल लाना पड़ा, जो कानून लाया है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का संशोधन किया, वित्तीय घाटा जो प्रबंधन का कानून है उसको संशोधन करने का लाया है, उससे साबित होता है ये वाला विकास का रास्ता डेड एंड पर पहुंच गया है, डेड एंड। इसलिए सरकार से भी हम विनती करना चाहते हैं काल्पनिक दुनिया से असली दुनिया में आए और इस बात को समझे कि कितना गंभीर आर्थिक संकट आ गया और नाउ इट इज अ डेड एंड, इससे आगे नहीं जाने वाला। और इसको ज्यादा टिप्पणी अभी मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फरवरी के बाद तो और भी गहरा संकट होने वाला, तो एक कारण तो यही है। लेकिन आप इनको जो वेतन नहीं दे रहे हैं ये उस संकट का हिस्सा बेशक है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी कमी नजर आ रही है, वो दोनों स्तर पर है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति में भी कमी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी कमी है, दोनों ये संकट है एक कारण, लेकिन संकट
ही सारा कारण नहीं है, इच्छा शक्ति की भी कमी मुझे नजर आ रही है, और दोनों है वो पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों को ये सुधारना है इनको, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर भी और पॉलिटिकल करेक्ट डायरेक्शन। मुझे पता है सुकू साहब 1 बजे तक मीटिंगे कर रहे हैं रात के, लेकिन इसका भी ख्याल रखे वो कि जो सबसे गरीब तबका है समाज का, जो आज पीने के पानी को का उपलब्ध करा रहा है, और पीने का पानी जीने का अधिकार में शामिल है, इट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनका भी ख्याल रखे वो कि ये वाला सेक्शन जो जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, मेहरबानी कर कर हदायत दे अपने सेक्रेटरी महोदय को, है ना, कि इनके वेतन को तुरंत दिया जाए।